तो ये देखिए, ये हमारी कुछ शेप इस तरीके से आएगी, प्रिंसेस कट की शेप। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में, हर्षिता ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग, वो भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। जी हाँ, जिसमें हम आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। और यहाँ पर जो मैं कटिंग बता रहा हूँ वो हमारे फुल चेस्ट के हिसाब से रहेगा, और अपर चेस्ट और फुल चेस्ट के हिसाब से बताऊँगा। तो उससे पहले बता दूँ कि अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल टेलरिंग ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लेंथ है वो 15 इंच है, चेस्ट है वो 40 इंच है, कमर 34 इंच है, शोल्डर 16 इंच है, आर्म होल 17 इंच, फ्रंट नेक 7, बैक नेक 10 इंच, टॉक पॉइंट 10.5 इंच है, और फुल चेस्ट यहाँ पे 41 इंच। तो हमें इसी मेजरमेंट से कटिंग करना है। इससे पहले बता दूँ कि अगर नाप के ब्लाउज से आप नाप लेकर कटिंग करना है तो भी इसमें भी हो जाएगा, तो वो आप वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लेना। तो ज़्यादा टाइम लगा हुआ तो वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पर लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ है वो 15 इंच है, लेकिन हमें यहाँ पर 15.5 इंच पर एक मार्किंग करना है, और जो दूसरा मार्किंग करना है वो हमें करीबन करना है 5.5। हम 6 इंच पर यहाँ पे एक मार्किंग कर रहे थे, तो अभी ये दोनों लाइनों को हमें मिला लेना है। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद सबसे पहले हमें देखनी है इसकी चेस्ट। तो इसकी चेस्ट है वो 40 इंच है, पीछे गला हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पे 40 का हमें 4 डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ भी लुजुल नहीं देना है। तो 40 का 4 डिवाइड होता है हमारा 10 इंच। तो देखिए, यहाँ पे हम 10 इंच रखेंगे और एक मार्किंग करेंगे। चेस्ट में लूजिंग किस तरीके से देते हैं उसके लिए हमारा ऑलरेडी सारे साइज़ के हिसाब से वीडियो बन चुके हैं अलग अलग गले के हिसाब से, तो वो आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। अगर आपने अपने नाप के ब्लाउज से नाप लिया तो भी हमें कुछ भी यहाँ पे लूजिंग देने की जरूरत नहीं है। कमर 34 इंच, उसका हमारा 4 डिवाइड होता है, वो होता है कमर में भी हम कुछ भी लूजिंग नहीं देते, तो वो होता है 8.5 इंच। और यहाँ पर एक हमारा टक्स आएगा, तो टक्स के लिए एक एक्स्ट्रा मार्किंग हमने कर दिया, वैसे टक्स का एक्स्ट्रा मार्किंग कर देना है। और फिर ये दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट मिला लेनी है। और ये हमारे दोनों लाइन मिल जाने के बाद अभी हम देखेंगे इसका शोल्डर। तो इसका जो हमारा शोल्डर है वो है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से 16 इंच इसका शोल्डर आया था, लेकिन हमें यहाँ पर पीछे गला 10 इंच डीप है, तो हमें यहाँ पे रखना है वो हमें करीबन 11 इंच का इसका शोल्डर रखना है। जी हाँ, तो शोल्डर भी किस तरीके से रखते हैं, अलग अलग 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 और 12 इंच के गले में हमारा अलग अलग शोल्डर रहेगा, तो उसके लिए भी हमारे सारे साइज़ के हिसाब से वीडियो बन चुके हैं, वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख लेना। और एक मार्किंग हम गले की ब्रॉडनेस देंगे, और उसके बाद 5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे, फिर हम गले का मार्किंग करना है। तो गला है 10 इंच है, तो हमें यहाँ पे 10.5 इंच पर एक मार्किंग करना है। तो मैं कुछ लाइनों को मिला लेता हूँ, वैसे आपको भी मिला लेनी है। देखिए, ब्रॉडनेस आप अपने कस्टमर के हिसाब से रख सकते हो। तो अभी देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रेट ना रखते हुए इसको हमें हल्का सा इस तरीके से गोलाई में एक मार्किंग करना है, और फिर हमें यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है। और ये हमारे आर्म होल की शेप हो जाने के बाद अभी सबसे पहले हमें नापना है इसका आर्म होल। तो इसका जो हमारा आर्म होल है वो 17 इंच है, लेकिन 17 का हमें आधा करना पड़ेगा आगे की तरफ और पीछे की तरफ, तो ये हमारा होता है 8 इंच, 8 और 5.5, तो ये हमारा होता है 8.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पर हम सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद हम इसको नापेंगे, तो ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए, तो ये हमारा 9 इंच आ रहा है, लेकिन 9 का होता है हमारा 18 इंच, तो ये हमारा आर्म होल लूज हो जाएगा। अगर आर्म होल लूज हुआ तो फिर कंधा गिरेंगे, तो इसको हमें इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा देना है 0.5 इंच। तो अभी हम वापस से एक बार नापेंगे, देखिए सिलाई का एक्स्ट्रा हमें छोड़ना है, और उसके बाद हम यहाँ से वापस से इसको नापेंगे, तो ये हमारा आना चाहिए 8.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पे ये हमारा 8.5 इंच और एक धागा ज़्यादा है, तो ये हमारा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप हमारा आर्म होल वाला वीडियो देख लेना। यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो ये हमारे टक्स के लिए मार्जिन है। अभी देखिए, हम यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे, तो हम इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है और उसके बाद हमें कटिंग करना है। अभी हम यहाँ से पूरे में कटिंग कर देंगे। और ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अभी हम इसका आगे का फ्रंट साइड का पार्ट कटिंग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलाई है, वैसे हमें इस तरीके से एक लाइन मिला देनी है, और उसके बाद देखिए इसको हमें यहाँ से करीबन 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, और ये वाली लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है। और इस तरीके से मिल जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग करेंगे, और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम हटा देंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे इसके लिए एक मार्किंग आपके लिए कर देता हूँ।
ये हमारा कुछ इस तरीके से है। अभी ये हो गया, अभी सबसे पहले मैं देखना इसका आगे का गला। तो इसका जो हमारा आगे का गला है वो 7 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पर एक मार्किंग करना पड़ेगा। शोल्डर में दब जाने के बाद ये 7 इंच हो जाएगा। अभी हमें टक्स पॉइंट देखना है, 10.5 इंच है, तो 11 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और ये वाला मार्किंग हो जाने के बाद वापस से मैं गले का मार्किंग आपको करके दिखा देता हूँ। और ये हमारा इस तरीके से मिल जाने के बाद अभी सबसे पहले हमें देखनी है यहाँ पे चेस्ट। तो चेस्ट, अपर चेस्ट है हमारे 40 इंच, तो यहाँ पर जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे करीबन 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। वो हम 4 इंच पर क्यों करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी अपर चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा होता है, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहाँ से 0.5 इंच कम। ये वाला इतना मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। और ये वाला मिल जाने के बाद यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। और ये हमारा शेप देने के बाद यहाँ पर हम एक कट जो हमारा डॉट आएगा यहाँ पे एक हम डार्ट लगाएंगे इसके लिए मार्किंग। अभी देखिए यहाँ पे आर्म होल का शेप हमें बाद में देना है, सबसे पहले हम इसको कटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हम सिलाई दबाएंगे तो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करना है, और यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा करना है और बाद में हमें कटिंग करना है, यहाँ पर भी सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है। और ये हमारा कटिंग हो जाने के बाद अभी देखिए अभी हम इसको यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पे एक कट लगाएंगे। तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा कट लग जाने के बाद अभी ये वाला पार्ट हो गया, अभी हम इसके आगे का पार्ट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कपड़ा ज़्यादा लिया था, तो मैं आपको इस तरीके से कटिंग करके दिखाता हूँ। आपको ये इस तरीके से कटिंग करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इस तरीके से कटिंग किया हुआ है। अभी यहाँ से हम अस्ते निकालेंगे। और भी देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख देंगे, और ये वाला पार्ट हमें रख देने के बाद ये यहाँ पर हमारा और भी खर्चा है। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको हम साइड में रख देंगे। अभी इसके ऊपर हमें इसको इस तरीके से रख देना है, और ये रख देने के बाद यहाँ देखना है तो यहाँ पे एक हमारा 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 इंच रहना चाहिए। इस तरीके से एक मार्किंग इस तरीके से इसको रख देना है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मार्किंग कर देना है। और देखिए ये वाला मार्किंग कर देने के बाद इसके ऊपर हम इसको रख देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से रख देना है, और उसके बाद यहाँ पर पीछे वाला पार्ट है इसको हमें इसके ऊपर रख देना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अभी यहाँ से हमें इसके साथ मार्किंग करना है, और ये चेस्ट वाला मार्किंग करना है, और ये मार्जिंग है, और फिर ये कमर वाला मार्किंग है, और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से मार्जिंग है। इसको हमें हटा देना पीछे वाला पार्ट, और कुछ लाइनों जैसे मैं मिला लेता हूँ वैसे आपको भी मिला लेनी है। और ये वाली लाइन मिल जाने के बाद सबसे पहले देखनी इसकी कमर। तो इसकी कमर है 34 इंच, यहाँ पे 34 का हमारा 4 डिवाइड होता है, वो होता है हमारा करीबन 8.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमने छोड़ा था 3.5 इंच, और यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 इंच, और यहाँ पे 3.5 इंच हम माइनस कर देंगे। और ये वाला हमारा माइनस हो जाने के बाद अभी हमें देखना इसकी चेस्ट, फुल चेस्ट। जो फुल चेस्ट है हमारी 41 इंच, उसको हमें 1 इंच का लूजिंग देना है, तो ये हमारी हो जाएगी 41 है तो 42 इंच, 42 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगी 10.5 इंच। तो देखिए 10.5 इंच होएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखनी है इसके यहाँ पे 4 इंच है, तो 4 इंच यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे 10.5 इंच है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे आता है वहाँ पे 10.5 इंच, और यहाँ पे 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, तो ये हमारे कुछ इस तरीके से आएगी। तो अभी देखिए जहाँ पर हमारी 4 इंच आई है यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर ये हम इसके साथ ऐसे रख देंगे, और ये रख देने के बाद मार्कर लेंगे, और मार्कर की मदद से यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। तो शायद कैमरे में से आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हमको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करना है, और फिर यहाँ से हमें इसको शेप देनी है। तो ये देखिए ये हमारी कुछ शेप इस तरीके से आएगी, प्रिंसेस कट की शेप। तो मैं यहाँ पे आपको डार्क करके दिखा देता हूँ, लेकिन डार्क करके ये देखिए आप इस तरीके से कर देंगे तो भी चलेगा। तो लेकिन देखिए अभी हम इसका कटिंग नहीं कटा, कटिंग करने से पहले हमें सबसे पहले इसको नापना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे तो ये हमारी करीबन आ रही है 13.5 इंच। तो देखिए यहाँ से हम इसको छोड़ देंगे और फिर नापेंगे, तो ये हमारी यहाँ पर 7, 8, 10, 11 और ये हमारे यहाँ पे 13.5 इंच आ रही है।
तो ये हमारी सही है। अगर नहीं आती तो हम यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं। तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ, वैसे आपको भी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा है और यहाँ पे ये इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सिलाई मशीन में सिलाई लगा के आता हूँ, फिर हमें आरमोल का शेप देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा के आ गया हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से और यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से बैठ जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा जो फुल चेस्ट है वो भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से बैठ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये देखिए ये हमारा अभी, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और ये फिर ये वाले पार्ट को इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करना है। तो ये हमारा इस तरीके से सेम आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको खाँच देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आगे का दो है उसको हम हटा देना है, और यहाँ पर तो हमें सेम रखना है, यहाँ पर आते वक्त हमें उसको हल्के से, इस तरीके से खांच दे देनी है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी कुछ इस तरीके से आएगी, तो ये हमारी कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगी। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको हम खोल देंगे, और उसके बाद जो आपका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखने के बाद इसको कटिंग करके सिल देंगे। तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप देख लेना। और हाँ, इसके बाद हम करेंगे इसकी आस्तीन कटिंग। तो इसकी आस्तीन कटिंग का वीडियो भी हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जो भी वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें हमने 3 से लेकर 20 की आस्तीन तक का फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है। तो वो वीडियो भी आप देख लेना चैनल पर विजिट करके। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।